पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर व लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहन केवल औसतन 10 रुपए में अपने वाहन चार्ज करा सकेंगे। इन एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का जिम्मा अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी कंपनी को दिया जाना तय हो गया है। पीपीपी मॉडल पर एक्सप्रेसवे पर फास्ट ई चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए खोली गई निविदा में सबसे कम 9.74 रुपए प्रति किलोवाट यूनिट दरें उपरोक्त कंपनी की ही आई हैं। बिड में चार्ज जोन, टाटा पावर, कैश यूआर ड्राइव, सर्वोटेक पावर, वर्दे मोबिलिटी व अडानी टोटल ने हिस्सा लिया। अडानी टोटल की दरें सबसे कम 9.74 रुपए प्रति किलोवाट यूनिट आई। माना जा रहा है कि बाइक, तिपहिया वाहन व चार पहिया सवारी वाहन को औसतन 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज करवा सकेंगे। यह चार्जिंग स्टेशन हर 100 किलोमीटर पर उपलब्ध होंगे। अभी जहां अन्य जगह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, वहां पर बाइक, स्कूटर के अलावा 15 रुपए, कार के लिए 18 रुपए व भारी वाहन के लिए 15 रुपए की दरें प्रचलित हैं। योगी सरकार की ओर से 26 चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रति स्टेशन 2000 वर्ग फीट की जगह 10 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर को दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, चार पहिया और ई बस की चार्जिंग के लिए चार्जर स्थापित करना होगा। प्रीपेड बिड में रिलायंस, GMR एनर्जी, अडानी टोटल एनर्जी, लाइट जीप टेक्नोलॉजी, ईबी प्लेक्सेस, सीमेंस लिमिटेड, कैश और ड्राइव की तरफ से चार्जिंग स्टेशन के निर्माण में रुचि दिखाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।